वो चलानी आती है नहीं सामने, बताओ उस गाड़ी में मारने को तैयार है बिल्कुल। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आप, मैं भी ठीक हूँ और आप भी सब ठीक ही होंगे। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कॉलेज से। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई आज की कॉलेज से क्यों हो रही है, क्योंकि आज भी मेरा, जैसे कल का दिन मैंने बताया था ना, मेरा पूरा हेक्टिक था, आज भी मेरा पूरा बिजी शेड्यूल था। तो अभी ब्रेक मिला है और अब मैं एक बार जिम की तरफ जा रहा हूँ भैया हर से मिलने। और क्यों मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ घर। तो आज तो मैं वैसे भी खुश हूँ, आज मैं ज़्यादा अपने बस फटाफट क्लास करो, असाइनमेंट जो भी सबमिट करना है सबमिट करके जल्दी जल्दी। तो आज का व्लॉग बहुत कम ही होगा, ज़्यादा जो होगा ट्रैवल का ही होगा। तो मैंने कहा चल एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ बना के। तो अभी हम जिम जा रहे हैं, भैया से मिलेंगे। और आप ये सोचोगे कि आज भी मैंने सेम ही कपड़े पहने हैं, तो आज इसलिए पहने क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ घर। तो बस घर का तो ये होता है भाई, जब घर का घर जाने का टाइम आता है तो बस जल्दी जल्दी भाग जाओ किसी तरीके से कैसे भी। और मैक में आ गए हैं, एक बार मिल लेता हूँ भैया से, पता नहीं है नहीं है, अरे अभी आए नहीं है भैया। और देखते हैं मैक में क्या क्या हो रहा है। अंदर भी लॉक कर रखा है। तो गाइस जिम में भैया तो है नहीं आज, अभी तो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद फिर अपना जो भी है पैकिंग भी करनी है रूम पे जाके, तो सारा काम करके फिर दिखाता हूँ आगे कैसे कैसे मैं जाता हूँ, कौन छोड़ने जाता है। तो गाइस अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ, और वैसे मैंने अपनी ज़्यादातर पैकिंग तो कर ही ली है, और अब थोड़ा बहुत सामान देखते हैं और पैकिंग। ये वाला मेरा बैग है, अभी इसमें एक दो चीज़ें और डालनी है। वैसे तो मैं अपने सर्दियों के सारे ही कपड़े लेके जा रहा हूँ भाई, बहुत भारी है। चलो गाइस देखते हैं, निकल चुके हैं घर के लिए रवाना। ढंग में चला लियो, गेयर मत दियो। और ये सनसेट होता हुआ पीछे, हमारे बिदोली में कैसे कैसे रास्ते पड़े। अभी तो कुछ नहीं पड़े, अभी पड़ेंगे आगे अच्छे अच्छे रास्ते। और मंदिर में यहीं से हाथ जोड़ते हुए हमारा कंडोली कैंपस के लिए। और अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा वादियों में, अब यहाँ से जंगल वाला रास्ता शुरू। और गाइस अब घर जाके तो मैं बहुत ही मजे करने वाला हूँ, और देखते हैं घर पे जाके किस कैसे कैसे व्लॉग बनाता हूँ। सोचा तो है कुछ, अब देखते हैं वो हो पाएगा या नहीं पाएगा। इतने से रस्तों पे इतने बड़े बड़े ट्रक भेज देते हैं ये। और ये आगे जंगल, गाइस पहले रास्ता बहुत ख़राब था, फिर मैं आ गया इस कॉलेज में, फिर मैंने कंप्लेंट करी तो रास्ता बना दिया, अब ये रास्ता बहुत ठीक है। यहाँ पे शेर चीता भी आया था, भाग भी आया था यहाँ पे, एक बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। और एक बार एक चीते को ना किसी ने, नहीं बाघ को, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, तो फिर उस बाघ को उसका हाथ पैर बांध के, मुंह बांध के, फिर उसे डॉक्टर के लेके गए थे, यही कॉलेज में इन्फर्मरी में लाए थे उसे, जहाँ पे हमारा इलाज होता वहाँ पे वहीं उसका करवाया था। और अब ये रास्ता ख़त्म होने वाला है, अब उसके बाद आएगा थोड़ा सा और आगे, बट वो उसमें इतने पेड़ नहीं है, ठीक ठीक है वो रास्ता। और यहाँ पे बारिश के टाइम पे यहाँ से पानी बहता रहता है।
अब यहाँ पे देखते हैं हमारी स्कूटी चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी इतने वेट के साथ। चढ़ गई क्योंकि हमारा राइडर भी अच्छा है, बिजनौर का राइडर है, स्टील गार्ड, सेफ्टी फर्स्ट। और यहाँ पे कुछ होगा शादी ब्याह की नहीं, ये तो खाटू श्याम जी का कुछ हो रहा है, भूतनी रहती है ऐसा सुना है और देखा भी है भाई हमने। हम रात को आए थे एक बार यहाँ पे, भूत रहते हैं। और ये बड़ा ख़राब सा रास्ता, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था फिर भी थोड़ा ठीक हो गया ये भी मेरी वजह से हुआ। पर यहाँ पे रात को आना नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे रात को भूत रहते हैं। तुम्हारे साथ वैसी वैसी घटना होगी, तुम्हारी स्कूटी बंद हो जाएगी, आवाज़ें आएंगी, कोई किसी की परछाई दिखेगी तुम्हें। फिर ऐसे टाइम पर हनुमान चालीसा याद होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आते यहाँ पे। कि तुम अगर यूट्यूब पर चला लो तो हनुमान चालीसा याद करके रखो। और अब इस रास्ते पे देखना लोग कैसे भगाते हैं, पर हम नहीं जा रहे, हम स्लो चल रहे हैं, देख लो। और व्यू तो अच्छा ही अच्छा है यहाँ का, यहाँ भी पेड़ है भाई। ये पेड़ कब आए, पहले तो नहीं दिखते थे मुझे। और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता निकल जाता है कंडोली, बट इस रास्ते के बीच में पड़ता है शमशान घाट। और वहाँ पे आते हैं भूत प्रेत। अब ये रास्ता काफ़ी देर तक ऐसे ही चलेगा, इसकी टाइम लैप्स। आ गया, अब हम आ गए प्रेम नगर। और ये आ गया विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में आपका स्वागत है। बाई ये बाई टू गेट वन नहीं, ये तो बाई थ्री गेट वन फ्री हो रखा है। तो गाइस ये मैं एंकरिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, ये मॉल वाले जैसे करते हैं। विशाल मेगा मार्ट में आपका स्वागत है। और अब जो हमारे इधर है, ये है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका, बट ये हमारी वाली यूनिवर्सिटी से काफ़ी सस्ती है और नाम भी हमारे के ही ज़्यादा है ये तो सब सबको पता है देहरादून में बच्चे बच्चे को, बट ये ठीक है। और इसमें भी मेरे बहुत दोस्त हैं, जानकारी है, आएंगे कभी दिखाऊंगा इसको भी। और यहाँ पे हम कभी कभी आ जाते हैं पराठा खाने, बट वैसे अब इसके पराठे ओवर रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका अच्छा मिलता है। ये भी अच्छा सिंह दरबार, ग्राफिक एरा यहाँ तक बोर्ड लग रहे, बताओ ग्राफिक एरा है, कोई लेना नहीं देना। और ये आ गया पेट्रोल पंप, कि भाई हम तो खा लेते हैं, इसको भी खिलाना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो इसको खिलाते हैं। आ गए ये भैया जी, इनकी चोरी पकड़ लेना गाइस, सुई खराब है इसकी। गाइस हमने टंकी फुल करवा ली है, फुल से भी ज़्यादा करवा ली है, पेट्रोल हमने साथ में एक्स्ट्रा भी रख लिया है। अगर हमारा मूड बना तो हम स्कूटी से दिल्ली चले जाएंगे, ठीक है। और पीछे भाई इसको जगह नहीं दे रहा गाड़ी वाला, दे दी। गाइस अगर आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, दिल्ली से देहरादून आना है, तो मैं सबसे बढ़िया बस बताता हूँ कौन सी है। जो हम ये रेड बस पे करते हैं ये सब बहुत टाइम लेती है, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 9-9 घंटे भी ले जाती हैं। बट जिससे मैं आता हूँ UTC की, वो है तो UTC की हो गई, गवर्नमेंट की है, बट वो वोल्वो है। उसके चार्जेस होते हैं 1% के 1000 रुपीज़, और वो 4.5 घंटे में पहुँचा देती है नोएडा सेक्टर 62। अभी थोड़ा काम चल रहा है, मतलब नहीं 4.5 घंटे में वो दिल्ली पहुँचा देती है, वो इतनी तेज़ चलती है, नॉन स्टॉप होती है। अभी जैसे देहरादून और दिल्ली में रास्तों में काम चल रहा है ना, तो थोड़ा लेट हो जाता है 1/2 घंटे का। तो अभी मेरे को शायद क्या पता है 5 घंटे लगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। और बस की कंडीशंस भी अच्छी हैं, बस एक दिक्कत मेरे को ये लगती है, जैसे मेरा आईफोन है, अब इसमें मेरा जो चार्जर है, जितने भी आईफोन वाले उनको पता है कि जो 20 वोल्ट वाला चार्जर होगा, 20 वोल्ट वाला,
उसमें सी टाइप होता है, और इन बसों में जो चार्जिंग पॉइंट दे रखे होते हैं वो USB टाइप होते हैं। तो बस एक थोड़ी सी यही दिक्कत लगती है, बाकी और तो कुछ नहीं है। और अगर इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपको बीच में बस रोकनी है वॉशरूम वॉशरूम के लिए, तो वो रोक लेते हैं टोल के पास जो वॉशरूम होते हैं। यहाँ पे अबे कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी, स्प्रिंट ऑफ द ईयर 2 की थोड़ी सी, और FRA किसकी सारी हुई थी। हाँ तो अबे नहीं भाई, बहुत जिम जो वो वाले सीन थे बास्केटबॉल वाले और फुटबॉल वालों, हाँ हुई होगी। और गाइस FRA का मतलब है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सारे तरह के आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे। और ये बस वाले भाई ने चला दिया आपके लिए, पता नहीं कैसे चला रहा है, चलानी आती है नहीं सामने बताओ, उस गाड़ी में मारने को तैयार है बिल्कुल। ये बस बंद करवाओ, देख लो आप जो ऊंची भी है उस पर केस कर दो। इसने कहाँ फंसाई है बस में, और हमें राइट जाना है, जान नहीं दे रहा, 2 बार रेड लाइट हो गई इस बस वाले के चक्कर में, उस पर केस कर दो गाइस। ये लो रेड लाइट तोड़ के हम निकल गए, देखी जाएगी अब क्या होगा, स्कूटी हमारी यही नहीं चलाना आएगा, किसी और का आएगा। गाइस देखो उजाले में निकले थे, अंधेरा हो गया, देख लो हमारे पुलिस सिटी कितनी दूर है, और ये प्यूमा का आउटलेट। और भाई मैं थक चुका हूँ बिल्कुल, और अब भी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत है। ये गाड़ी वाले भाई कैसे कैसे चलाते हैं, देखना कहाँ निकाल रहा है बंदा, वो तो हमारा राइडर बढ़िया है। और भाई अब नींद आ रही है बहुत तेज, और यहाँ जाम ही जाम जाम ही जाम, दुखी हो गए इतना टाइम लग गया। भैया क्या हुआ, कैसी चला रहा है बस भाई? अभी बस वाला ने इस भैया को दबा देता ब्लिंकिट वाले को, बस बिल्कुल जरा से बचे। इसका भी नंबर नोट कर लो, इस पर भी केस, ये भैया निवाने पर निकाल दी। गाइस बस 5 मिनट पहले पहुँचे हैं, वो सामने बस खड़ी है बेचारा, और ये अभी शायद आखिरी बस है, उसके बाद फिर 8:30 बजे की है, तो चलो जल्दी पहले बैठ जाते हैं। इस टिकट तो मिल गई है, और अभी कुछ खाने का ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। सो गाइस अभी बस रुकी है ये टोल प्लाजा के पास वॉशरूम और इन सब के लिए, और मैं को आ रही नींद, तो मैं तो उठ के जा नहीं रहा, यहीं बैठा हूँ मैं तो आराम से। और ये हाईवे वालों की ही दुकान है। तो भाई सब दिल्ली पहुंच चुके हैं ये देखिए, और जैसे मैंने सोचा था कि मैं कल जैसे दिल्ली आऊँगा, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, आप सभी को बता देता हूँ। और क्या कहते हैं, हाँ इस वीडियो को अगर जो कोई लास्ट तक देखेगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि कौन कौन मेरी वीडियो लास्ट तक देखता है, तो कमेंट में मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करना। और क्या कहते हैं, तो मैंने सोचा था मैं कहा मेरे लिए गाड़ी वाड़ी आ रखी होंगी, बहुत कुछ होगा, पर मैंने आके भाई को फ़ोन किया, मैं कहा भाई लेने आ जा, कह रहा भाई ठंड हो रही है, एक काम कर खुद आ जा कैब कर ले, इतने मैं आऊँगा, मैं लेट आऊँ अपने मज़े में, तो यहाँ पे मेरा कट गया। तो फिर अब मैंने कैब करी है और अब घर पहुँचने वाले बस, और फिर अब आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अब देखते हैं कल बर्थडे पे कहाँ कहाँ जाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके बाय बाय गाइस, जो ये ऊपर रोड जा रहा है ये वही वाला दिल्ली से देहरादून वाला, और अगले साल इसी रोड से जा करूँगा मैं।